बाबा ये क्या है? सुनो, इसे कैसेट कहते हैं, कैसेट। तुमने देखी नहीं होगी ना ये? नहीं। अरे हमारे जमाने की कैसेट है, इसे टेप रिकॉर्डर में डाल के बजाते थे। तुम लोग तो आजकल वो MP3 और मोबाइल में गाने सुनते हो ना, हमारे जमाने में टेप रिकॉर्डर पे ऐसे कैसेट डाल के सुनते थे, बहुत मजा आता था। वाओ, मुझे दिखाइए ना। हाँ हाँ देखो ना, ये देखो। कितनी एंटीक है बाबा ये। हाँ, और इसकी विशेषता क्या मालूम है? ये ए साइड है और ये बी साइड है, दोनों तरफ से बजती है। वाओ, मैंने पहले ये कभी नहीं देखा। अरे तुमने तो बहुत सारी चीजें नहीं देखी सोनू। सबसे पहले आया था रेडियो, उसके बाद आया ग्रामोफोन। पता है सुनो, आजकल कैसी सीडी होती है, तो उस वक्त भी ना एक बड़ी थाली जितनी सीडी होती थी, जो इसे ग्रामोफोन पे रख के उसे पिन रख के वो बजती थी। क्या गाने सुनते थे हम लोग, वाह वाह वाह। जिसके घर पे ग्रामोफोन होता था ना सुनो, वो अमीर समझा जाता था। अमीरों के घर की शान था ग्रामोफोन। फिर आया टेप रिकॉर्डर, जो ग्रामोफोन के मुकाबले सस्ता था, जिसमें एक कैसेट बजती थी। वाह बाबा, सो कूल। वाह, मेरे पास देखो पुराने गालों का कितना कलेक्शन है। सो इम्प्रेसिव बाबा। वाह, और ये सब तुम्हारी आई भंगार में दे रही थी। हाँ आई, तुम ये सब भंगार में दे रही थी? नॉट फेयर। हाँ ए, तू क्या चलती गाड़ी में चढ़ रही है, इधर आ मुझे मदद कर। वो डिपर चल नहीं रहा है, तो भंगार में ही दूंगी ना उसको। सॉरी। ओ माधवी, मेरी अभी बाका से बात हुई है, उसने बोला है वो पूरी कोशिश कर रहा है, और मुझे खातरी है वो चैंपियन है ना, वो रिपेयर करवा ही देगा। और जब जेठालाल वो रिपेयर किया हुआ सरकम ऑर्केस्ट्रा शाम को लेके आएगा और उसपे गाने बजेंगे ना, तब मजा आएगा। मेरी बात मानिए, इतनी मेहनत मत करिए, कैसेट नहीं चली ना तो आप निराश हो जाएंगे ना। फिर चलेगी, बिल्कुल चलेगी। ये देखो, गया 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 गया। देखा, होगी ना ठीक। और जब इसमें से गाने बजेंगे ना माधवी, तो तुम भी झूमने लगोगी। और नहीं चली तो? नहीं चली ना तो तुम जो बोलोगी मैं करूंगा, लेकिन अगर चली तो मैं सॉरी बोलूंगी। ये गला क्या अर्थ है, सिर्फ सॉरी? मुझे पक्का यकीन है मुझे सॉरी बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये नहीं ही चलने वाली है। चलेगी, बिल्कुल चलेगी। तुम देखना माधवी, जब जेठालाल मेरा सरगम ऑर्केस्ट्रा बनाकर लेके आएगा ना शाम को, तो ये मेरे गाने पूरे सोसाइटी में गूंज उठेंगे। हाँ रतन भाई, दुकान अभी तक रेडी नहीं हुई है। अरे नहीं भाई, मॉल वॉल नहीं बना रहा हूँ, दुकान ही बना रहा हूँ। लेकिन बीच में क्या, कॉन्ट्रैक्टर थोड़ा गांव चला गया था, तो काफी टाइम काम बंद था। लेकिन अभी बहुत जल्दी वो दुकान रेडी हो जाएगी, फिर अच्छा सा कोई मुहूर्त देख के इन्हें अला ग्रैंड ओपनिंग करेंगे। आपको आना पड़ेगा रतन भाई। ओके चलो, ओके ओके। हाँ बोल भाई, हो गया रिपेयर? सेठ जी, मैंने भिड़े भाई का टेप रिकॉर्डर खोला और अंदर सारे वायर फिट किए और फिर चालू करने की कोशिश की, लेकिन टेप रिकॉर्डर चालू नहीं हुआ। अच्छा? हाँ, और फिर जैसे ही मैं वापस खोल के इसे रिपेयर करने जा रहा था कि टेप रिकॉर्डर मेरे हाथ से नीचे गिरा। क्या? अरे बागा, क्या किया तूने? तुझे पता है इस टेप के साथ उसके अजूबा की यादें जुड़ी हुई है। अजूबा? अजूबा, अजूबा। अरे वाह, अरे वाह, क्या वो भीड़े अभी मुझे छोड़ेगा नहीं। बराबर है, भीड़े भाई आपको इतना कस के गले लगाएंगे कि आपका छूटना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा। ये तू क्या बोल रहा है बागा, क्यों बोल रहा है ऐसा? मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ सेठ जी, क्योंकि भीड़े भाई का टेप रिकॉर्डर चालू हो गया है। क्या? हाँ, जैसे ही टेप रिकॉर्डर मेरे हाथ से नीचे गिरा कि टेप रिकॉर्डर चालू हो गया। अरे अरे वाह, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है नहीं सेठ जी, ऐसा ही हुआ है। फिर तहकीकात करने पर मुझे पता चला इसके अंदर की एक सर्किट लूज हो गई थी, वो मैंने रिपेयर कर दी है और टेप रिकॉर्डर चालू हो गया है। रुकिए, मैं अभी आपको चालू करके दिखाता हूँ, एक मिनट सेठ जी।
ये देखिए, घूम रहा है। अरे वाह वाह बगा। चल अभी इसमें वो कैसे डल के वो चेक कर ले। ओ पिकर में से आवाज बराबर आता है कि नहीं। कैसेट तो हमारे पास नहीं है। अच्छा तेरे हिसाब से अगर इसमें कैसेट डाल के वो बजाएंगे तो बराबर आवाज सुनाई देगा ना भाई? हाँ हाँ, कैसेट इसके अंदर डाल के इसको बंद करके प्ले का बटन दबाएंगे तो मस्त सुनाई देगा। शाबाश बका, शाबाश, तुम्हें कारीगर है दोस्त। हाँ भाई भिड़े। हाँ कैसे हो जेठालाल? अरे भाई वो सब छोड़, तू अभी के अभी माधवी भाभी को बोल क्या गर्मा गर्म पूरन पोड़ी बनाए। मतलब सरगम ऑर्केस्ट्रा चलने लगा? चलने लगा है, और अभी अभी यहाँ से उसने चलना चालू किया है, तो मुझे लगता है 2-3 घंटे में गोकुलधाम सोसाइटी पहुँच जाएगा। मिठालाल मजाक नहीं, मैंने बोला था सेंसिटिव टॉपिक पे मजाक मत करो। सच सच बताओ, बागा ने रिपेयर किया उसे? कर दिया भाई, उसको रिपेयर कर दिया। थैंक यू जेठालाल, थैंक यू। मैं अभी आता हूँ उसे लेने के लिए। अरे भिड़े, मैं आ रहा हूँ ना घर पे, तो मैं लेते आऊंगा। नहीं जेठालाल, तुम फिर से सुबह की तरह रिक्शा में भूल जाओगे सरगम ऑर्केस्ट्रा को। अरे भाई सुबह भी मैं कहाँ रिक्शा में भूला था, वो तो मैं मजाक कर रहा था। अरे हाँ वो मजाक था, नहीं क्या? ठीक है, तो एक काम करना, डायरेक्ट क्लब हाउस में आना। मैं अब्दुल को बोल के सभी सोसाइटी वालों को क्लब हाउस में बुलाता हूँ, फिर मस्त वे की बैठ के पुराने गाने सुनेंगे। ओके ठीक है, चल मैं आता हूँ। ओके हाँ ओके। बका इसको पैक कर दे, और एक काम कर, तू भी मेरे साथ गोकुलधाम सोसाइटी चल। मैं वहाँ के क्या करूंगा? अरे भाई वो भीड़े ने पूरी गोकुलधाम सोसाइटी को इकट्ठा करके ये पुराने गाने सुनने का प्रोग्राम बनाया है। अभी वो चालू प्रोग्राम में फिर से अगर बिगड़ गया तो क्या, तू अगर वहाँ रहेगा तो फटाफट हाथों हाथ रिपेयर कर सकता है ना। अरे भाई तू चल ना भाई, अगर तू वहाँ नहीं होगा और ये अगर बंद हो गया ना, तो भीड़े मुझे गाने सुनाने की जगह पता नहीं क्या क्या सुनाएगा। ये सीट जी ये बंद नहीं होगा, एकदम मस्त चल रहा है। तू चल ना भाई, तुझे पता नहीं मेरी कुंडली कैसी है। चलिए सेठ जी। सॉरी सेठ जी, चल। बहारो फूल बरसाओ, मेरा सरगम आ रहा है, मेरा सरगम आ रहा है। रिपेयर हो गया? रिपेयर हो गया, रिपेयर हो गया, एकदम व्यवस्थित रिपेयर हो गया माधवी। अब देखना मैं क्या करता हूँ। क्या है? कौन फोन लगा होता है? हाँ बेटे भाई, क्या लाना है? नहीं कुछ लाना नहीं अब्दुल, तुम अभी फ्री हो? हाँ बोलिए ना। हाँ तो एक काम करो, अभी के अभी क्लब हाउस जाओ, एक टेबल और एक्सटेंशन बोर्ड का अरेंजमेंट कर दो। और हाँ सोसाइटी में सबको जाके बोल दो कि आज क्लब हाउस पे पुराने गाने सुनने का प्रोग्राम रखा है। अरे वाह। और हाँ सबके लिए आइसक्रीम भी लेकर आना, मेरी तरफ से आइसक्रीम पार्टी। आपकी तरफ से आइसक्रीम? क्यों? तुम सवाल मत करो अब्दुल, जितना बोला गया उतना करो, मैं बाकी सब वहाँ पे आके बताता हूँ। ठीक है? ठीक है बेटे भाई। ओके अब देखना माधवी, आज सभी गोकुलधाम वाले क्लब हाउस में बैठ के आइसक्रीम के साथ पुराने गानों का मजा उठाएंगे। परमेश्वर करो ऐसा ही हो, बस आपके उत्साह पर पानी न फिर जाए। क्या मतलब? मतलब वो कैसेट चलनी चाहिए ना वेले पर। काहे आपने सबको इनवाइट किया है, आइसक्रीम मंगाया है, और तेवढ्यात काही गडबड झाली तर तसं नको ना। अरे कोई गडबड नहीं होगी माधवी, सभी कैसेट एकदम परफेक्ट चलेंगे और सबको मजा भी आएगा, देखना तुम। हाय वैसा ही होगा। और सच कहूं बाबा, मैं तो ये कैसेट सुनने के लिए बहुत एक्साइटेड हूं। है ना, तो अभी मैं क्लब हाउस जाता हूं, सारी तैयारी करता हूं, पर एक बार सारी तैयारी होने के बाद तुम दोनों को वहां पे बुला लेता हूं, तो आ जाना। हां ठीक है, मैं भी टप्पू सेना को बोल देती हूं, हम सब आएंगे क्लब हाउस में आपका ये सरगम ऑर्केस्ट्रा सुनने। यस, मैं जाके तैयारी करता हूं। अच्छा वो नीचे से स्टोर। वाह मस्त लगा है यहां पे। वाह वेरी गुड थैंक यू। अच्छा अब्दुल सबको बोल देना क्लब हाउस में आने के लिए। नहीं मैंने नहीं बोला। अरे गड़बड़ कर दी ना तुमने, मैंने तुमको बोला था सबको बोलने के लिए अब्दुल। अरे भिड़े अंकल, अब्दुल भाई को पूरी बात बोलने तो दीजिए।
ओके हाँ बोलो। अब्दुल भाई ने नहीं, अब्दुल भाई ने हमको बोला था सबको बुलाने के लिए, इसलिए हम सब ने सबको बोल दिया है कि क्लब हाउस में आना। क्यों? अरे भिड़े भाई, मेरी दुकान में आइसक्रीम का स्टॉक खत्म हो गया था, तो मैं आइसक्रीम लेने के लिए गया था, इसलिए मैंने टिप्पू सर को बोला कि सबको बोल देना। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी हाँ। इट्स ओके भिड़े अंकल, और थैंक यू। क्यों थैंक यू क्यों? वो आपने पुराने गाने जो सुनाने का प्रोग्राम रखा है ना। अरे गोया, पहले गाने सुनो तो सही, उसके बाद थैंक यू बोलना। नहीं नहीं नहीं, गाना सुनाने वाले हो इसलिए थैंक यू नहीं, आइसक्रीम के लिए थैंक यू। ये गोया, एक्सक्यूज मी, व्हाट हैपेंड? नहीं नहीं कुछ हुआ नहीं, वो गोया ने थैंक यू बोला ना मुझे, तो मैं उसको वेलकम गोया ऐसे बोल रहा था। How sweet. वैसे क्या बात है भिड़े भाई, आज अचानक क्या प्रोग्राम बना दिया आपने? हाँ, हम सब साथ में बैठ के कोई मूवी या मैच देखने वाले हैं। अरे कमल आती भाई, आपको पता नहीं है? नहीं, टप्पू से ना तुम लोग ने बताया नहीं? नहीं, हमने तो सिर्फ इतना ही बताया कि आपने सबको क्लब हाउस में बुलाया है। ते अर्धड इन्फॉर्मेशन दिली, मैं बताता हूँ क्या हुआ। बारी पर सी खटन गया सी, धक्के ले अंदर तारे, और मैं फिर तास हजी थी जैसे क्लब हाउस में कटे हुए सारे। लपड़ू और सारे आ गए भाई। आइए 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 आइए। अरे आइए आइए, छोड़, पहले ये बता कि ये सब क्या है। ये सब क्या है मतलब? मतलब इस तरह से ऐसे सबको क्लब हाउस में क्यों बुलाया भाई, मीटिंग क्यों बुलाई है? अरे नहीं, मीटिंग नहीं बुलाई वो बड़लाल, तो फिर बुलाया क्यों? भाई मैं अपना काम छोड़कर मीटिंग समझकर यहाँ पर अभी आ गया, पर तू बोल रहा है कि मीटिंग नहीं बुलाई है। मैं सिर्फ कुंवारा हूँ, फ्री नहीं हूँ। अरे मैं बता रहा हूँ, मुझे बोलने तो दे भाई, बोलने नहीं दे रहे हो मुझे। अरे तू बोलना, तुझे रोका किसने? मैं जब से आऊँ तब से पूछ रहा हूँ, तू कुछ बता ही नहीं रहा। बोल बोल बिंदास, बोल बोल। पोपटलाल, तुम भिड़े को बोलने का मौका ही नहीं दे रहे हो, मौका दोगे तो वो बोलेगा, बोलने दो उसे। हाँ बोल। दरअसल आज मेरा सघन ऑर्केस्ट्रा रिपेयर होके आ रहा है। तू भिड़ा, तूने ट्यूशन का छोड़ के ऑर्केस्ट्रा का चालू किया? या नहीं नहीं पोपट भौजी, इनका जो टेप रिकॉर्डर है ना, उसका नाम सरगम है, तो वो रिपेयर होके आ रहा है ऐसा। अच्छा अच्छा, तो ये बताने के लिए तूने हम सबको यहाँ पर क्लब हाउस में बुलाया? अरे नहीं नहीं पोपटलाल, क्या है मेरे पास कुछ हमारे जमाने के मधुर गीतों की कैसेट्स है, तो वो गाने सुनने के लिए सबको यहाँ पे बुलाया है। अरे वाह। और हाँ, सबके लिए मैंने आइसक्रीम मंगवाई है। अरे वाह, आइसक्रीम भी मंगवाया है, ये तो बहुत ही कमाल का विचार है। और हाँ, कर्ण प्रिय भी। फैबुलस आइडिया मेरे भाई, आज तो कानों में मत गिरेगा, शहद गिरेगा। मत गिरेगा और होश में हम होंगे तो मत होश हो जाएंगे। आज बहुत मजा आएगा, इतने दिनों बाद हम लोग एक साथ इकट्ठा हुए हैं। वाह भिड़े वाह, थैंक यू बोबड़लाल। अरे थैंक यू क्या, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, कटाक्ष में बोल रहा हूँ। सॉरी, आप लोगों को भले इसका आइडिया अच्छा लगा हो, लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। क्यों? ओए पप्पू, पता नहीं होया की है, ये ऐसे रूठी हुई जनानी की तरह क्यों बिहेव कर रहा है? मेरा मतलब है, ओ यार तेरी प्रॉब्लम की है। पीड़ू ने क्या गलत किया है? हाँ मैंने क्या गलत किया इसमें बोबड़लाल? अरे भाई, तेरे जमाने के तेरे पर्सनल टेप रिकॉर्डर में तेरा गाना सुनने का मन किया तो तूने हम सबको यहाँ क्लब हाउस में बुला लिया, अब क्लब हाउस की इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करेगा, वहाँ सोसाइटी ऑफिस में मुझे मोबाइल तक चार्ज नहीं करने देता है तू। कैंसल करो भाई, अभी के अभी ये प्रोग्राम कैंसल करो। क्या कैंसल यार पोपटलाल, तुम क्या बोल रहे हो भाई, भिड़े ने कितना बढ़िया प्रोग्राम के बारे में सोचा है। सही बात है पोपटलाल, जरा सोचो, सब साथ में बैठ के आइसक्रीम खाएंगे तो कितना मजा आएगा। हांस, नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि ऐसे गाने सुनते सुनते आइसक्रीम खाएंगे तो कितना मजा आएगा।
ओए और नहीं थे की आज कितने दिनों बाद सारे इकट्ठे होके वो नाचेंगे गाएंगे ओ जी बोलियां गाएंगे भंगड़े पाएंगे गिद्दा पाएंगे जी बड़ा मजा आएगा। आज तो वरी बड्डा माली ने साथ में डांस करेंगे मज़ा उसे। नहीं आज बार हम चाहता तो अकेले अपने घर में बैठ के गाना सुन सकता था लेकिन उन्हें सबके बारे में सोचा। आई रियली अप्रिशिएट आज बार। और वैसे भी हमारी भागदौड़ भरी तनाव भरी जिंदगी में ऐसे मौके बार बार कहाँ मिलते हैं। एकदम साची बात है। हमें तो बड़े भाई और मादी भाभी को थैंक यू बोलना चाहिए। आ, सही बात है। ये पूरी सोसाइटी अगर गाने सुनने में इंटरेस्टेड है तो बेटा मेरे भी परमिशन है। Yes, वैसे गाना सुनना मुझे भी अच्छा लगता है और अच्छा सोचा तूने मतलब ऐसे क्लब हाउस में मतलब सबको इकट्ठा किया है और सब साथ में मिलके गाने सुनेंगे आइसक्रीम खाएंगे मजे करेंगे। नहीं ना अच्छा बढ़िया बढ़िया आइडिया सोचा है। ए पलटीलाल कौन बोला कौन बोला कौन 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 बोला कौन भीरे भाई अब जल्दी से गाना लगाइए ना प्रोग्राम शुरू करते हैं। भाई कहाँ है सरगम ऑर्केस्ट्रा चालू कीजिए। हाँ वो अभी तक आए नहीं है वो आ रहे है। क्या हुआ माधवी भाभी अब इतने टेंशन में क्यों है। नहीं काए इन्होंने उत्सव में इतना बड़ा प्रोग्राम रख तो दिया है लेकिन मुझे थोड़ा टेंशन है कि वेले वर ये कैसेट चलनी भी तो चाहिए पुरानी हो गई है ना इसलिए। आई टेंशन नको घेऊ कैसेट चल जाएगी और बहुत मजा आएगा। लक्की का गो हाँ। अरे भिड़ तेरा इतना पुराना टेप रिकॉर्डर है अगर नहीं चला तो क्या वो कैसेट को ऐसे दो उंगली से घुमा के हमें गाने सुनाएगा। पोपटलाल बी पॉजिटिव ऐसा कुछ नहीं होगा भाई कैसेट तो अच्छे ही है और मैंने बोला ना सरगम ऑर्केस्ट्रा रिपेयर होके आ रहा है मेरी बात हो गई जेठालाल से अच्छे से रिपेयर हो गया तो ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ बस अभी जेठालाल आते ही प्रोग्राम शुरू। ये जेठालाल भी ना हमेशा लेट करता है उसका यही प्रॉब्लम है। हाँ यार भाई क्या प्रॉब्लम क्या है आपको अब जब देखो तब मेरे ऊपर बिल फाड़ते हैं तो जैसे तैसे करके नहीं रिपेयर होने वाला ये टेप रिकॉर्डर रिपेयर किया। बागान और मारते घोड़े मारते रिक्शा में जितनी जल्दी हो सके हम लोग यहाँ पहुंचे फिर भी आप पूरी सोसाइटी के सामने मुझे बदनाम कर रहे हैं। ए अयेड़ी क्या है तुझे क्या बिगाड़ा है मेरे जेठे ने तेरा बताओ। आपको क्या बताऊं चाचा जी जेठालाल ने मेरा क्या बिगाड़ा है। खबरदार जो आज के बाद तूने सोसाइटी वालों के सामने मेरे जेठिया को बदनाम किया है तो गोकुलधाम। मित्रों गोकुलधाम इस धरती पे कैसी विलक्षण जगह है जहाँ राई का पहाड़ यूं बनता है चिंगारी ऐसे शोले में भड़कती है और कोई भी छोटी सी घटना हंगामे का रूप अख्तियार कर लेती है। हम एक मुसीबत से निकलते हैं कि दूसरी मुसीबत हमारे दरवाजे पे दस्तक देती है। लेकिन आपको क्या यहाँ जितनी मुसीबत हो आपके घर में तो हंसी के चौके छक्के लगते हैं। कल गोकुलधाम में क्या होने वाला है ये तो आप जानेंगे तब जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो हमारी और आपकी पार्टनरशिप बरकरार रखिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते रहिए हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.